समस्तीपुर पुलिस ने भीषण छापेमारी करते हुए 3 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये अपराधी कुख्यात समूह एवं ऋण देने वाले कंपनियों के कर्मचारियों को चिन्हित कर उनसे पैसे की लूटपाट करते थे। मिली जानकारी के अनुसार समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों के निर्देश पर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साहबान हबीब फाकड़ी के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक सदर आंचल विक्रम आचार्य, कल्याणपुर थाना अध्यक्ष परमानंद लाल कर्ण, कल्याणपुर थाना के संजय कुमार, मुफस्सिल थाना के परशुराम सिंह, डीआईयू के अनिल कुमार, डीआईयू के संदीप पाल एवं सिपाही अखिलेश कुमार एवं अरविंद कुमार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए कुख्यात अपराधी को उसके साथियों के साथ बाइक एवं हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर वार्ड संख्या 5 निवासी लाल बाबू महतो के पुत्र विकास कुमार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर हसनपुर गांव निवासी योगेंद्र राम के पुत्र गौतम कुमार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंभुपट्टी गांव वार्ड संख्या 9 निवासी जगन्नाथ शाह के पुत्र राजा कुमार के रूप में की गई है। शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए सदर डीएसपी साहबान हबीब फाकड़ी ने बताया कि 1 अक्टूबर को कल्याणपुर थाना अध्यक्ष गश्ती में थी। गश्ती के दौरान कल्याणपुर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कई मामलों में फरार चल रहे आरोपी विकास कुमार अपने साथियों के साथ पल्सर बाइक से खजूरी गांव की ओर जा रहा है तथा उसके पास हथियार भी उपलब्ध है। गुप्त सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जांच में जुट गई। पुलिस की टीम के सदस्यों के द्वारा अपराधियों का पीछा किया गया। इस दौरान पुलिस की टीम ने कुख्यात अपराधी विकास कुमार एवं उसके साथी गौतम कुमार, राजा कुमार को अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ एक पल्सर बाइक सहित गिरफ्तार किया। वहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर कल्याणपुर थाना में कांड संख्या 281/21 दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात अपराधी विकास कुमार से पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि ये मुख्य रूप से समूह संचालक एवं ऋण देने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर उन्हें टारगेट करते थे तथा लूट की घटना को अंजाम देते थे। बीएनपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से संवाददाता दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। सूचना मिली कि अपराध करने विकास कुमार जो अपने दो साथियों के साथ बाइक पर कहीं लग रहा है, उस क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और उस अपराध करके भी गिरफ्तार हुआ। वो अपराध करने पहले से भी देख के कांटे में हमारा वंचित है, तो उसके पास कट्टा और जिंदा गांधी है। इसका अपराधिक इतिहास है जी, अपराधिक इतिहास है, अपराधिक इतिहास है इनका और ये अपराधिक इतिहास है। कितने अपराधी पकड़े उन ये तीन विकास लगा के तीन लोग पकड़े, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस और मोबाइल दोनों के पास पकड़े।